मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। दगड़ियों, पिछला ब्लॉग आपने देखा बहुत जबरदस्त, मतलब मैं पहले भी आपको ब्लॉग दिखा चुका हूँ बैजनाथ धाम के, लेकिन इस बार बैजनाथ धाम में बहुत जबरदस्त हो गया है। वहाँ क्या जबरदस्त क्या है, मतलब बोटिंग करने का, मस्त अपनी बोटिंग करो। और बाकी मंदिर तो बहुत पहले से ही है, प्रसिद्ध मंदिर है, तो कभी भी उत्तराखंड की तरफ जाओ बागेश्वर की साइड में तो बैजनाथ धाम के दर्शन जरूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, देखते हैं भावना लोग गांव में क्या मस्ती कर रहे हैं। तो फिर से उतनी हसीन वादियों से आप बस बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। आपका अपना चैनल बैक टू पहाड़। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। Hey guys, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं कौसानी से, और अभी हम कौसानी पहुंच गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं, सारे लोग आ गए हैं कौसानी का टूर मारने के लिए, सब पहुंच गए हैं ऊपर और हम ये रिजॉर्ट के पास पहुंच गए हैं। अब आगे ये होटल है, प्रशांत होटल है कौसानी का, और एक है माउंटेन रिजॉर्ट कृष्णा माउंटेन माउंट व्यू माउंटेन रिजॉर्ट। कोर्ट प्राइमरी बाबू दीदी, कोर्ट प्राइमरी भी यही है। हाँ वहाँ तो गए हुए हैं, मैं बोल रही हूँ वहाँ जा, वो भी बहुत सुंदर है, मतलब जैसे आगे गांधी आश्रम है, बहुत पुराना आश्रम है, यहाँ पर काफी चीजें मिलेंगी गांधी जी की देखने को। अच्छा, तो अब हम आगे यहाँ जाएंगे गांधी आश्रम में। चलो अब हम गांधी आश्रम में चलते हैं, और ये लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। क्या बात है, मौसम का आनंद ले रहे हैं ये लोग, क्योंकि थोड़ा अच्छा हो गया यहाँ मौसम। नीचे की साइड बहुत धूप थी, गर्मी थी, और कौसानी में आके मौसम बिल्कुल चेंज लग रहा है, मस्त लग रहा है मौसम। मैं यहाँ 12 साल बाद आया हूँ। अच्छा, 12 साल पहले आए थे? अभी 12 साल पहले आया था, मैं इसी होटल में रुका था। अच्छा, इस ये प्रशांत होटल में? हाँ। अच्छा, 12 साल पहले आए थे मौसा जी और प्रशांत होटल में रुके थे, और अब आज पूरे 12 साल बाद आए हैं। क्या था? हनीमून पाकिस्तान। अच्छा, 12 साल पहले? हाँ, हाँ। अच्छा, मामी जी 12 साल पहले अपने हनीमून पे आए थे। बेटा हुआ तो यही का ही है। अच्छा। जो एक शैतान घूम रहा है ना, यही की देन है वो। सही बता रहे भावना? हाँ हाँ, दो लोग आए थे, एक लोग और आए थे हमारे साथ, वो उनकी भी नई नई मैरिज हुई थी, और इनका भी गौरी हुई थी इनकी, और जब कृष्णा हुआ उनके भी बेटा हुआ, इनके बेटा हुआ। यही का यही का प्रोडक्ट है, यही का प्रोडक्ट है कृष्णा। कृष्णा और जो आए थे उनके। ये यहाँ शॉल मिल रहे हैं, यहाँ गर्म कपड़े हैं, ये शॉल और जो जैकेट होती है, कौन सी, नेहरू जैकेट, जो नेहरू जैकेट होती है वो, और कुर्ते, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं यहाँ पर। अंकल, यहाँ क्या खास है, कुछ बताओगे? क्या यहाँ पर क्या ऐसा खास है जो लोग यहाँ घूमने आते हैं? अनासक्ति आश्रम है, क्यों है अनासक्ति, गांधी आश्रम, कोई अनासक्ति कहता है, कोई गांधी कहता है। महात्मा गांधी जी आए थे यहाँ 1929 में, ठीक है, तो उनके बारे में पूरा बताओ। 14 दिन रुके थे वो, पहले 7 दिन का प्रोग्राम था, उनके बाद 14 दिन रुके, उन्होंने अनासक्ति योग एक पुस्तक लिखी, तो उसी दिन से यहाँ का नाम अनासक्ति आश्रम पड़ा, 1929 में आए महात्मा गांधी। और यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं, यहाँ टी गार्डन, सॉल फैक्ट्री, गांधी आश्रम, चाय फैक्ट्री, इधर हैं बेटा यहाँ घूमने के दर्शनीय स्थल, चाय बागान इधर ही, और यहाँ से बैजनाथ मंदिर हो गया भी 18-19 किलोमीटर बैजनाथ के। हाँ, बैजनाथ तो हम घूम के आ गए। शिवजी और पार्वती की मूर्ति है वहाँ, इससे की सबसे बड़ी मूर्ति। अंकल जी ने बताया हमें यहाँ के बारे में थोड़ा जानकारी दी, क्योंकि हर जगह की जानकारी हमें नहीं हो सकती, तो जो वहाँ रहते हैं वो हमसे अच्छा बता सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ जाके किसी किसी से पूछ लेती हूँ वहाँ के बारे में। और ये है गांधी आश्रम, तो अब यहाँ चलते हैं अंदर। ये यहाँ ले रहे हैं लोग कुछ,
हमने यहाँ एक छोटा सा टी ब्रेक लिया है, तो जिसको पानी पीना है वो पानी पी रहे हैं, जिनको कोल्ड ड्रिंक पीनी है कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बाकी थोड़ा सा रेस्ट लिया है छोटा सा। कितना प्यारा बनाया हुआ है ये और बहुत सुंदर लग रहा है इधर। अब थोड़ी धूप आ गई है, अभी ठंडा हो रखा था, थोड़ा नीचे ठंडा हो रहा था, अभी थोड़ा धूप आ गई है। और ये गांधी जी ज्ञान दे दो, वहाँ पीछे दुनिया पूरी पड़ी है पगलाई हुई। ये देखो तीन बंदर तो यहाँ पर दिखा रखे हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। और ये एक बंदर और नया आया, इसमें ऐड हो गया, बुरा मत सोचो। तो क्या व्यू है यहाँ से नीचे का, बहुत प्यारा व्यू है। अब हम जा रहे हैं इसके अंदर और देखते हैं अंदर क्या है। ये स्तुति आ गई है, बीच बीच में अपना टाइम निकाल के आ जा रही है, बहुत कीमती समय है स्तुति का। सो गाइस ये है गांधी आश्रम, हम यहाँ आपको आप इसका अंदर का स्नीक पीक दे रहे हैं। सो ये सब गांधी जी की पुरानी तस्वीरें हैं, पुरानी फोटोज हैं, डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च। इज वेरी ब्यूटीफुल, मीन्स आ सकते हो आप, देख सकते हो एंड थोड़ा और जान सकते हो इन डेप्थ। एंड मैं आपको, मुझे इन डेप्थ तो नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी अच्छे से कि बेसिकली क्या है, बिकॉज मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, स्नीक पीक दे रहे हैं। आप लोग भी देखिए, आइए, काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ से बाहर का व्यू तो आप देख ही लो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। कि हमारी माँ है, कि हमारे गांधी जी हैं, तो ये सब। ओ हमारी डोरू ने ड्रेस चेंज कर लिया, डोरू डोरा तो बहुत ही सुंदर लग रही है, डुगू ने भी ड्रेस चेंज कर ली। सो भगवती फाइनली, भगवती वीडियो बना रही थी, ये किसी भी ब्लॉग में आ नहीं पाए, तो हमने मैंने ले लिया, मैंने हाँ। फर्श बहुत ठंडी हो रही है ना दीदी, हाँ फैमिली के साथ आओ तो अलग मजा आता है, ये तो है। पूरे में मतलब बहुत ज़्यादा वुड वर्क है, इतना सुंदर इसमें वो किया गया है, डिज़ाइन इतना प्यारा बना रखा है। और ऊपर देखो ये ऊपर का सारा, जैसे यहाँ ठंडा होता है लकड़ियों के, जो घर बनता है ना वो वहाँ बनता है जहाँ ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि लकड़ियों के अंदर, इनके अंदर ज़्यादा ठंडा नहीं लगता। हाँ गांधी आश्रम से घूम के बाहर आ गए हैं, बाकी लोग आ रहे हैं अभी आए नहीं हैं, और हम आ गए हैं, पता मम्मी मैं स्तुति हम लोग आए हैं अभी, और लोग आ रहे हैं। ये हो रही है रुक, ये लोद है दीपोंकल का घर, ये हमारे दीपोंकल का घर है, और ये है लोद, ये है उनका घर जो अभी नया वाला है। हाँ नमस्कार, हाँ आप इतने फल कैसे हो रखे हो ये बताओ पहले। अंदर का छुप के निकल रखे हो, भाभी को पता ही नहीं है, बताओ नमस्कार। ये आपका घर ये घर आपका नहीं, वहाँ पर रहती हूँ मैं दुकान पे। अच्छा वही है घर, हाँ ये पुराना वाला घर है, बढ़िया रखा हुआ है, और घास का
सू लगा रखा है, पीरू सुखा रखा है, ये गाँव में आग जला दे तो उसके काम आता है। और ये हो रखा है नाशपाती, पूरा पेड़ भरा हुआ है, नहीं तो नाशपाती देखो पूरा पेड़ भरा हुआ है नाशपाती का। और मस्त यार भाभी, एक गिलास पानी। बहुत टाइम बाद आज हम भाभी जी से भी मिले और उनके बच्चों से मिले, बहुत मज़ा आया। और दीपोंगल से तो ज़्यादा टाइम भी मिल गए थे क्योंकि वो रास्ते में बकरी लेके जा रहे थे। और अभी हम भाभी जी से मिले, खाने के लिए रुके हैं हम ये वाले होटल में और सब लोग वेट कर रहे हैं, खाना आ रहा है बस थोड़ी देर में, चाय का ऑर्डर दिया है और हम लोग बैठ रहे हैं यहाँ। क्या बनाया उनके लिए? हमने भटके डुबके। भटके डुबके, ये उत्तराखंड का? ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध है यहाँ का। अच्छा, और क्या बनाया अंकल? भात, ये चावल है, ये दही है। अच्छा, कड़ी भी है? अरे वाह, और ये चने है। मजा आ गया। रायता भी बनाते हो? रायता भी बनाते हैं। अभी है? अभी तो नहीं, अभी तो खत्म। ये क्या? आलू कुटू? ये आलू का जीरा। अरे वाह, मस्त खाना बना रखा है। आज सुबह 6 बजे से ये शाम के 2:30 बजे तक खत्म होने वाला है। अच्छा, रोज का यही होगा ना? बढ़िया। टाइमिंग क्या अंकल होटल का? टाइमिंग मैंने अभी दादी को सुबह 6 बजे से और ये 2:30 बजे तक, फिर उसके बाद क्लोज। ठीक है। अच्छा, नाम क्या है होटल का? ये रुद्राक्ष है। अच्छा, खास लोध में रुद्राक्ष होटल करके फेमस है ये भटके डुबके वाले। आज हमने ऑर्डर किया है अपना ट्रेडिशनल फूड, आज बनी है यहाँ पर भटके डुबके और चटनी जोई। ये आ गया है खाना और ये है डुबके, ये है यहाँ का ट्रेडिशनल फूड। और अरे सुती, खाना कैसा है? बहुत बढ़िया खाना, बढ़िया चटनी, बहुत बढ़िया। भैया चटनी डाल देना मेरे में और सलाद डाल देना। किसके किसके टेबल पे खाना पहुँच गया है? सब्जी भी डाल देना। यहाँ भी खाना पहुँच गया है सबके टेबल पे, आ गया सारा। कैसा हो रहा है खाना? अभी जोई, और ये हमारा यहाँ का ना ट्रेडिशनल है यहाँ का जो है ना डुबो। कैसी लग रही है अली सब्जी? भटके डुबके। और ये आ गई है जोई, जिसको हिंदी में कहते हैं कड़ी। कैसा लगा खाना? इतना मतलब और टेस्टी है ना सारा खाना, टेस्टी मतलब मन करता, मन भर गया, मन भर गया, पेट भर गया, मन नहीं भरा, ऐसे हो गया। बहुत अच्छा। ये है यहाँ पर लक्की घोंसला, ये चिड़िया, ये वाली चिड़िया कहीं कहीं घोंसला लगाती है अपना, जैसे कि यहाँ लगाया। और एक ब्लॉग में लास्ट में और भी दिखाया था, एक दुकान में और लगाया। चाचा कहाँ जा रहे हो? नमस्कार, नमस्कार। कहाँ से दौड़ रहे तुम? आ रहे हैं हेमू के ससुराल से। अच्छा, आपके यहाँ रुपाई हो गई? रुपाई हो गई? हाँ, ये तो अभी तो पड़ा है, खाली शहर में। आपको मैंने बोला था आपके यहाँ रुपाई होगी, हमें बुलाना सोका पड़ा है। अभी कहाँ भी देख रही हूँ, कुछ आने दो उसको। ओ, बारिश आने लगी। अपना बैग निकल बेटा। कौसानी से अब हम घर पहुँच गए हैं, ये हमने गाड़ी यहाँ पार्क की और सब लोग आगे निकल गए हैं और हम भी निकल रहे हैं। तो तब तक के लिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।